फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहार, वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा टूलिप फ्लावर का डिजाइन लेकर आई हूं। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है। इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, कैप, मफलर किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। ये डिजाइन सब में बहुत ही सुंदर लगता है और किड्स के स्वेटर पर तो ये डिजाइन बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, ये कैसे बनाया गया है। ये डिजाइन बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल फंदे लेकर के 4 फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 8 के मल्टीपल देखिए, 8 फंदे गिन लीजिए, 8 और लास्ट में आपके 4 रहने चाहिए। ये डिजाइन हमारा उल्टी साइड से शुरू होता है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड देखिए, ये है इसकी उल्टी साइड। जो पहली सिलाई मैंने यहाँ से स्टार्ट की है, वही पहली सिलाई मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि इस डिजाइन की पहली सिलाई कैसे बनेगी। पहला फंदा अगर फ्रेंड्स आपको उतारना हो तो आप उतार सकती हैं। तो धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4। अब धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और ये 4। धागा पीछे करके 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और ये 4। फिर से धागा अपनी तरफ कर लीजिएगा और 4 फंदे उल्टे। इस तरह से करते हुए आपने ये उल्टी साइड की पहली सिलाई कंप्लीट करनी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 4 फंदे सीधे हो गए। फिर से धागा अपनी तरफ करके और 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और ये 4। धागा पीछे करके देखिए, लास्ट में भी आपके 4 ही फंदे सीधे आएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। ये डिजाइन की पहली सिलाई है। अब आ जाइएगा इसकी दूसरी सिलाई और सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिए फ्रेंड्स कैसे करना है। पहला फंदा अगर आप उतारना चाहें तो उतार सकती हैं। तो 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2। जो फंदे इधर हमने सीधे बनाए हैं वो इधर हमारे उल्टे हो जाएंगे और जो इधर हमने उल्टे बनाए वो इधर हमारे सीधे हो जाएंगे। लेकिन जो डिजाइन की दूसरी सिलाई है फ्रेंड्स, उस पे हमने क्या करना है, ये जो 4 फंदे हैं हमारे जो हमने इधर सीधे बनाए, इनमें से पहले हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ ही रहे और जो 4 फंदे इधर हमने उल्टे बनाए हैं वो इधर हमारे सीधे हैं, उनमें से ये फंदे हमारे यहाँ आएंगे और ये उल्टे वाले फंदे हमारे यहाँ जाएंगे। लेकिन कैसे जाएंगे ध्यान दीजिएगा, जो ये सीधे फंदे हैं इनमें हम पीछे की साइड से इस तरह से सिलाई डालेंगे, देखिए ऐसे, और ये जो उल्टे फंदे हैं इन दोनों फंदे को उतार के ये जो सीधे फंदे थे इस जगह पर हम ले आएंगे, देखिए इस तरह से, और ये जो सीधे फंदे हैं इन्हें हम उल्टे फंदे की जगह पर लाकर डाल देंगे, और ये जो सीधे फंदे हैं इनको अब हम उल्टा बनाएंगे क्योंकि ये हमने अपने आगे की साइड कर लिए हैं। तो देखिए, 2 फंदे पहले उल्टे बने थे, ये तीसरा हो गया और ये हमारा चौथा फंदा उल्टा हो गया। अब आप धागा पीछे कर लीजिएगा, ये जो उल्टे फंदे हमने यहाँ सीधे की जगह किए हैं इन फंदे को अब आप सीधा बना लीजिएगा, 1 और ये 2। धागा आपका पीछे ही रहे। अब देखिए, फिर से हमने फंदे पलटने हैं, ये जो सीधे फंदे हैं उल्टे फंदे की जगह जाएंगे, जो उल्टे हैं वो सीधे की जगह जाएंगे। तो हम क्या करेंगे देखिए, आगे की साइड से इन उल्टे फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे, अगली साइड से इस तरह से, और ये सीधे फंदे हम उतारेंगे ऐसे, और इनको उतार के पीछे से ऐसे सिलाई में वापस डाल लेंगे ऐसे, और ये उल्टे फंदे लाकर अब हम आगे की साइड ऐसे डाल देंगे। देखिए, उल्टे फंदे हमारे सीधे की जगह आ गए हैं और सीधे फंदे हमारे उल्टे की जगह आ गए। धागा हमारा पीछे रहे और ये जो 2 फंदे उल्टे हमने आगे लिए हैं इनको भी सीधा बना देंगे। तो देखिए, यहाँ बीच में अब 4 फंदे हमारे वापस से सीधे बन गए। धागा अपनी तरफ करके जो सीधे फंदे यहाँ पर आए हैं, देखिए पलट के आगे गए हुए हैं, इनको उल्टा बना देंगे, 1 और ये 2।
धागा अपनी तरफ ही रहे। अब हमने फिर से फंदे पलटने हैं, ये जो उल्टे हैं यहाँ पर आएंगे और ये जो सीधे हैं यहाँ पर जाएंगे। तो देखिए पीछे की साइड से इन सीधे फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और ये उल्टे वाले फंदे उतार के देखिए आगे से सिलाई में पहले ऐसे डालेंगे और इनको पीछे से लाकर आगे डाल देंगे। अब देखिए सीधे फंदे हमारे यहाँ पर आए हैं तो इनको हम उल्टा बनाएंगे। ये चार फंदे हमारे बीच में वापस से उल्टे हो गए हैं। थोड़े से ये फंदे पलटने पर फ्रेंड टाइट हो जाते हैं, आप इन्हें ध्यान से बना लीजिएगा। धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये जो उल्टे फंदे यहाँ सीधे की जगह गए हुए हैं इनको सीधा बना देंगे। देखिए एक और ये दो, धागा हमारा पीछे ही रहे। अब फिर से हमने फंदे पलटने हैं, ये सीधे हमारे यहाँ आएंगे और ये उल्टे यहाँ सीधे की जगह जाएंगे। तो देखिए हमने आगे की साइड से ये जो उल्टे फंदे हैं इनमें ऐसे सिलाई डाल लेनी है, सीधे फंदे को उतार के इनको अब पहले डाल लेंगे। अब देखिए ये उल्टे हैं, इनको ऐसे ला करके आगे डाल देंगे। और ये देखिए धागा हमने पीछे ही रखा हुआ क्योंकि दो फंदे यहाँ सीधे बन चुके हैं। अब ये दो फंदे और हम सीधे बना देंगे, एक और ये दो। अब देखिए ये सीधे फंदे यहाँ से यहाँ गए हुए हैं तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इनको उल्टा बना देंगे, एक और ये दो। धागा अपनी तरफ ही रहे, ये जो दो उल्टे फंदे हैं यहाँ जाएंगे सीधे यहाँ पर आएंगे। तो देखिए कैसे जाएंगे, हमने जो है यहाँ से ऐसे सिलाई डालनी है, पीछे की साइड से सीधे फंदे में सिलाई डालेंगे और ये उल्टे फंदे देखिए उतार कर ऐसे डाल देंगे और सीधे को आगे ले आएंगे। और ये सीधे फंदे जो हमने अब आगे किए हैं इनको उल्टा बना देंगे, एक और ये दो। दो हमने पहले बनाए थे और दो हमारे ये अब बन गए हैं, तो चार हमारे वापस बीच में उल्टे आ गए। धागा पीछे, देखिए ये जो उल्टे फंदे अब यहाँ पर गए हुए हैं इन्हें सीधा बना देंगे। अब फिर से हमने देखिए ये वाले फंदे पलटने हैं, ये उल्टे हमारे यहाँ आएंगे और सीधे हमारे यहाँ जाएंगे। तो आगे की साइड से देखिए इनमें ऐसे सिलाई डालेंगे और सीधे वाले फंदे को उतार के पीछे से पहले ऐसे सिलाई में डाल लेंगे, देखिए ऐसे, और ये उल्टे लाकर आगे डाल देंगे। अब ये जो उल्टे फंदे हमने आगे लिए हुए हैं इनको सीधा बना देंगे, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे। अब धागा अपनी तरफ करके देखिए ये सीधे हमारे यहाँ आए हुए हैं। अब आगे हमारे लास्ट में चार फंदे बचे हैं तो इन्हें हम उल्टा बना देंगे। तो आपके जितने भी फंदे हों इस सेकंड सिलाई में आपने ऐसे ही बनाने हैं फ्रेंड्स। इस डिजाइन में वैसे मेन सिलाई एक यही होती है, आगे तो इसमें हमारी बहुत ही आसान सिलाई बनने वाली है। देखिए जो फंदे ये सीधे हैं वो आपने सीधे बनाने हैं, उल्टे हैं वो उल्टे बनाने हैं। देखिए पहली सिलाई के जैसे ही हमारी तीसरी सिलाई बनेगी। अब एक दो तीन और ये चार, देखिए चार फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये देखिएगा फ्रेंड्स चार। अब धागा फिर से पीछे करेंगे और चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार। अब धागा आगे करके चार फंदे उल्टे, एक दो तीन और ये चार। अब धागा पीछे और चार फंदे सीधे, एक दो तीन और ये चार। फिर से धागा अपनी तरफ करके और चार फंदे उल्टे, इस तरह से करते हुए हमारी ये तीसरी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। धागा पीछे करके देखिए लास्ट में हमारे वही चार फंदे सीधे आ गए हैं जैसे हमने पहली सिलाई पर बनाए थे। तो तीन सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाएगा इसकी चौथी सिलाई पर। चौथी सिलाई पर भी आपने वही करना है, जो फंदे उल्टे हैं वो उल्टे बना दीजिए और जो फंदे सीधे हैं वो सीधे बना दीजिए। देखिए एक दो तीन और ये चार, धागा पीछे और अब देखिए एक दो तीन और ये चार, ये चार फंदे हमारे सीधे। इस तरह से करते हुए ये चौथी सिलाई कंप्लीट कर लीजिए।
अब आ जाइएगा इसकी पांचवी सिलाई और उल्टी सिलाई पर। पांचवी सिलाई पर भी आपको जो फंदा जैसा दिखे वैसा ही बना लीजिए। पांच सिलाई कंप्लीट हो गई है, अब आ जाइए इसकी छठी सिलाई पर। छठी सिलाई पर भी देखिए जो उल्टे हैं उन्हें उल्टा बना दीजिए, सीधे हैं उन्हें सीधा बना दीजिए। सातवीं सिलाई पर भी वही करना है, जो सीधे हैं वो सीधा बना दीजिए, उल्टे हैं वो उल्टा बना दीजिए। और फिर से आठवीं सिलाई पर उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बना लीजिए। तो मैं इसमें आठ सिलाइयां कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें आठ सिलाइयां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फिर से हमें ये डिजाइन बनाने के लिए नौवीं सिलाई पर उल्टी साइड से वही स्टार्टिंग करनी है, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। चार फंदे सीधे हैं, चार उल्टे हैं, तो इस तरह से करते हुए ये सेकंड डिजाइन बनाने के लिए नौवीं सिलाई हमारी बन रही है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने उल्टी साइड की सिलाई बना करके कंप्लीट कर ली है। अगर हम यहां से गिने तो ये नौवीं सिलाई है, लेकिन अगर हम सेकंड पार्ट की देखें तो ये हमारी पहली सिलाई है और दूसरी सिलाई पर हमारा ये डिजाइन सीधी साइड पर बनता है। आपको एक बार फिर से बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, ये जो चार फंदे हमारे उल्टे हैं, इनमें से दो फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ ही रहे। ये दो फंदे यहाँ जाएंगे और ये वाले यहाँ आएंगे। तो देखिए कैसे जाएंगे, ये जो सीधे वाले फंदे हैं इनमें पीछे की साइड से ऐसे सिलाई डाल लेना, उल्टे वाले फंदे को उतार करके आगे ले लेना और सीधे वाले फंदे को पीछे से लाकर आगे डाल देना, और ये जो सीधे फंदे हमने आगे लिए हैं इनको उल्टा बना देना। ये देखिए, यहाँ हमारे वापस चार फंदे उल्टे बन गए हैं, धागा पीछे। अब हम देखिए, ये जो हमने उल्टे फंदे आगे लिए हैं इनको सीधा बना देंगे। अब फिर से हमने फंदे पलटने हैं, ये जो सीधे हैं यहाँ जाएंगे, ये उल्टे हैं यहाँ आएंगे। तो उल्टे वाले जो फंदे हैं इनको देखिए आगे की साइड से इस तरह से सिलाई में ले लेना, उल्टे अब सीधे वाले को उतार के उल्टे वाले फंदे की जगह आ जाएंगे। अब देखिए, ये हमारे उल्टे थे, ये सीधे हैं, इनको हम यहाँ लाएंगे और ये जो उल्टे फंदे हमने आगे किए हैं इनको सीधा बना देंगे। एक और ये दो, देखिए अब वापस हमारे चार फंदे सीधे बन गए, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जो सीधे हमने पलट के यहाँ किए हैं इनको उल्टा बना देंगे। इन्हीं से फ्रेंड्स ये ट्यूलिप फ्लावर बनता है, बहुत ही आसान तरीके से ये डिजाइन बनता चला जाता है। अब धागा अपनी तरफ ही रहे, ये फंदे यहाँ जाएंगे और ये वाले यहाँ जाएंगे। तो देखिए, पीछे की साइड से सीधे फंदे में इस तरह से सिलाई डाल देंगे, एक और ये दो, और ये दो उल्टे फंदे उतार लेंगे और यहाँ पर इनको डाल देंगे, सीधे वाले को पीछे से लाकर आगे कर देंगे, और अब ये जो सीधे फंदे आगे आए हैं इनको हम उल्टा बना देंगे। ये चार फंदे हमारे बीच में उल्टे हो गए, धागा पीछे करेंगे, ये उल्टे जो हमारे आगे गए थे इनको अब सीधा बना देंगे, एक और ये दो। अब फिर से फंदे पलटने हैं, ये सीधे हैं ये उल्टे हैं, ये उल्टे यहाँ आएंगे और सीधे हमारे यहाँ जाएंगे। तो देखिए, आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे क्योंकि सीधे की जगह हमारे उल्टे जा रहे हैं और उल्टे की जगह हमने सीधे लेकर जाने हैं। तो देखिए, इनको उतार के इस तरह से पीछे से यहाँ डाल लेंगे और ये उल्टे वाले फंदे इस तरह से थोड़ा सा हम इन्हें खींच सकते हैं ताकि ये थोड़े से लूज हो जाए, इनको आगे डाल देंगे और इन उल्टे फंदे को अब हम सीधा बना देंगे। ये देखिए, बीच में हमारे फिर से चार फंदे सीधे बन गए हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये सीधे फंदे जो आगे किए हैं उनको उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, ये उल्टे फंदे सीधे की जगह जाएंगे और सीधे उल्टे की जगह जाएंगे। तो पीछे की साइड से देखिए, इनमें ऐसे सिलाई डालेंगे और ये उल्टे फंदे उतार के ऐसे ले लेंगे, सीधे फंदे को यहाँ ले आएंगे और सीधे वाले फंदे जो आगे किए हैं इन्हें अब हम उल्टा बना देंगे। अब धागा पीछे करेंगे और जो उल्टे फंदे हमने सीधे की जगह किए हैं उन्हें सीधा बना देंगे, एक और ये दो। अब देखिए, सीधे यहाँ जाएंगे और उल्टे इस सीधे की जगह आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे की साइड से इन उल्टे फंदे में पहले सिलाई डालेंगे और सीधे वाले को उतार के यहाँ उल्टे फंदे की जगह कर देंगे और ये उल्टे फंदे सीधे की जगह डाल देंगे और इनको अब हम सीधा बना देंगे। दो फंदे पहले सीधे बनाए थे और ये भी हमने अब सीधे बना दिए हैं, धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के देखिए, चार फंदे हमारे उल्टे आ गए। तो डिजाइन की दो सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं।
आगे देखिए तीसरी सिलाई उल्टी साइड से आएगी, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा। इस तरह से बनाते हुए आपने यही आठ आठ सिलाइयां बार बार रिपीट करनी है। जब फ्रेंड्स आप ये बार बार रिपीट करेंगे तो आपका ये सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक यू।